चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 पेप्टाइड बॉन्ड। क्लास बॉन्ड तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। क्लास जैसा कि हमने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स के केस में पढ़ा था कि वहां पर जो बॉन्ड्स होते थे जिनकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स आपस में बंधे रहते थे वो बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थे। तो क्लास इसी प्रकार से होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आइए जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं। क्लास ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, और क्लास प्रोटीन्स में एमिनो एसिड जिस बॉन्ड के कारण आपस में बंधे रहते हैं या आपस में कनेक्टेड रहते हैं उन्हीं बॉन्ड्स को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो क्लास हमारे पास यहां पर एक एमिनो एसिड है जो कि ग्लाइसिन है, और क्लास यहां पर हमारे पास एक और एमिनो एसिड है जो कि एलानिन है। अब क्लास यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि एमिनो एसिड का जो COOH यानी कि ओइक एसिड वाला पार्ट होता है उसको सी टर्मिनल कहते हैं, और जो एमिनो वाला पार्ट होता है उसको एन टर्मिनल कहते हैं। अब क्लास जब भी दो एमिनो एसिड्स इस प्रकार से पास आते हैं तो क्लास वहां पर कुछ इस प्रकार से डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ओइक ग्रुप से OH जबकि एमिनो ग्रुप से H यहां पर निकल गया है, और क्लास जब बीच में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो ये दोनों एमिनो एसिड्स कुछ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं। और क्लास जिस बॉन्ड से यहां पर ये एमिनो एसिड जुड़ते हैं यानी कि COOH इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। और क्लास पेप्टाइड बॉन्ड में कितने भी एमिनो एसिड जुड़ सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने एक एमिनो एसिड लिया है ग्लाइसिन, दूसरा है एलानिन और तीसरा फिर से ग्लाइसिन। अब क्लास यहां पर इन पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे तो ये तीनों एमिनो एसिड्स कुछ इस प्रकार से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और क्लास यहां पर जो चेन बनेगी एमिनो एसिड्स की उनका नाम एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस में ही होगा। जैसे कि हमारे एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस था वो था ग्लाइसिन एलानिन ग्लाइसिन, तो इसलिए जो चेन बनेगी उसका नेम होगा ग्लाई एला ग्लाई, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और क्लास यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये तीनों ही एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंक से जुड़े हुए हैं। और क्लास यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि जितने एमिनो एसिड लिंकेज में पार्टिसिपेट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स उनसे एक कम बनते हैं। जैसा कि यहां पर तीन एमिनो एसिड जुड़े थे तो दो पेप्टाइड लिंकेज यहां पर बने हैं, इसको आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले कॉलम में पेप्टाइड के नेम, उसके बाद नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेटिंग, और उसके बाद हमने बताया है कि नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने बनेंगे। तो क्लास अगर एक डाई पेप्टाइड बनता है तो वहां पर जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड है वो दो होंगे, जबकि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड उनसे एक कम यानी केवल एक बनेगा। ऐसे ही ट्राई पेप्टाइड के केस में नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स 3 होंगे जबकि पेप्टाइड लिंकेज वहां पर 2 होंगी। और इन दी सिमिलर वे टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड भी बनेंगे। लेकिन क्लास अगर पार्टिसिपेटिंग एमिनो एसिड की जो संख्या है वो 10 से ज्यादा है तब उस केस में उनको हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं।